अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट स्पेक्टिकल्स में आज हम बायो का एक्सपेरिमेंट नंबर 10.3 परफॉर्म करेंगे। बायो के एक्सपेरिमेंट नंबर 10.3 में हमने ये डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि ब्रीदिंग में एक्सहेलेशन के दौरान, मतलब सांस बाहर निकालने के दौरान, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। इसको हमने डिमॉन्स्ट्रेट करना है। हमने एक्सहेल्ड एयर, जो कि हम सांस बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, इसकी प्रेजेंस को डिमॉन्स्ट्रेट करना है। सो आज के इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जो ऑपरेटर्स चाहिए उनमें स्टॉपवॉच शामिल है, इसके अलावा कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, इसके अलावा हमें डिलीवरी ट्यूब चाहिए, इसके अलावा हमें कॉक्स चाहिए। कॉक्स के अलावा हमें जो केमिकल रिक्वायर हैं, केमिकल्स में हमें सिर्फ और सिर्फ लाइम वाटर चाहिए। सबसे पहले हम ब्रीदिंग को डिस्कस करेंगे। ब्रीदिंग दो प्रोसेस पे मुश्तमिल है। इनहेलेशन सबसे पहला प्रोसेस है। इनहेलेशन के दौरान हम एयर इनहेल करते हैं, हम सांस लेते हैं, और जो हम एयर इनहेल करते हैं उसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑक्सीजन गैस की होती है कार्बन डाइऑक्साइड की निस्बत। और दूसरा प्रोसेस एक्सहेलेशन है, जिसके दौरान हम एयर एक्सहेल करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, और उस सांस में जो हम एयर रिलीज कर रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है ऑक्सीजन की निस्बत। सो आज के एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करना है, हमने कॉनिकल फ्लास्क दो लेनी है, और उन दोनों कॉनिकल फ्लास्क में हमने 1/4 लाइम वाटर डालना है, मतलब 25% हमने वॉल्यूम जो है कॉनिकल फ्लास्क का वो लाइम वाटर से भर देना है। और फिर दोनों कॉनिकल फ्लास्क के माउथ पे हमने अच्छे से कॉर्क अटैच कर देनी है। फ्लास्क ए की कॉर्क में हमने सुराख करना है और उसमें से स्ट्रॉ पास करवाना है, और उस स्ट्रॉ के जरिए हमने एक्सहेलेशन के दरमियान जो एयर रिलीज हुई है वो हमने ऐड करनी है, और 1 मिनट के बाद हम ऑब्जर्वेशन नोट ऑन करेंगे। तो जब 1 मिनट के बाद हम ऑब्जर्वेशन नोट ऑन करेंगे तो हम देखेंगे फ्लास्क के जिसमें हमने एक्सहेल की हुई एयर ऐड की है उसका कलर वाइट में चेंज हो गया है, जबकि फ्लास्क बी में जो लाइम वाटर शामिल है वो एज इट इज कलरलेस ही रहेगा। सो फ्लास्क ए जिसमें हमने एक्सहेल की थी एयर उसका कलर वाइट हो गया है, कलरलेस से वो वाइट कलर में चेंज या मिल्की कलर में चेंज क्यों हुआ है हम इक्वेशन के जरिए सबसे पहले डिस्कस करेंगे। लाइम वाटर हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसमें जब हम एक्सहेल की हुई एयर ऐड करेंगे जिसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की है, सो कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगी और साथ में वाटर बनाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट का कलर वाइट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे ही बनेगा तो लाइम वाटर कलरलेस से वाइट कलर या मिल्की कलर में चेंज हो जाएगा। आज के इस एक्सपेरिमेंट की जो प्रिकॉशंस हैं उनमें सबसे पहले आपने एक्सपेरिमेंट के दरमियान ये एहतियात से आपने जो है वो एक्सपेरिमेंट करना है, आपने लाइम वाटर को सक नहीं करना, आपने सिर्फ एयर एक्सहेल करनी है, सांस जो है वो आपने बाहर निकालना है और स्ट्रॉ के जरिए वो जो सांस आप निकाल रहे हैं उसकी एयर ऐड करनी है। दूसरी प्रिकॉशन क्या है कि आपने फ्लास्क के माउथ पे जो कॉर्क है उसको बहुत टाइटली आपने क्लोज करना है ताकि एटमॉस्फेरिक एयर ऐड ना हो सके। आज के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या है, हमने देखा कि फ्लास्क ए में हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानि कि एक्सहेल एयर जो है वो हमने ऐड की थी, जिसकी वजह से वो कलरलेस से वाइट या मिल्की कलर में चेंज हो गया था, जबकि फ्लास्क बी में हमने कोई एयर ऐड नहीं की, इसीलिए लाइम वाटर जो है वो कलरलेस ही रहा। तो आज के एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ साबित हुई है कि एक्सहेलेशन के दरमियान कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है।